जोड़ के डलती है ना सारी। साथ ही स्किन बैग सांप है ये। ये गोगा पीर की माली में बैठ गया था और जो गोगा पीर को मानने वाले जो भगत जी हैं वो तो किनारे हो गए थे। अब गोगा पीर का जो असली रक्षक है सांप को ही माना जाता है। अब देखिए कैसा कलयुग आ गया कि जिनकी पूजा करते हैं पत्थर वो सब पूछते हैं सामने आए तो लट लेके मारने को तैयार रहते हैं। ये आज की तारीख में काटने में माहिर सांप है, छोड़ा जा रहा है। साथियों ये दूसरा साइलेंट किलर, इसको आप कह सकते हैं कि यमराज है। ये इंसानी गर्मी इसको पसंद है और जब ये काट ले तो आदमी का बचना मुश्किल होता है। अरे सांप है साइलेंट किलर, रात को 11 बजे से सुबह 4 तक सक्रिय रहता है सांप ये। और आजकल सर्दी हो रही तो शिकार की तलाश में भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। डर रहता है इनको। ऐसा ना जिनके घर से उनके घर से हमारा तो ये झोली रखता है ना अपनी, इसको आप कह सकते हैं कोबरा 7 गुना ज्यादा इसके अंदर जहर होता है और यदि काट ले ये टाइम कम बता रहे तो आदमी की मौत निश्चित है। हाँ ये कह रहे टाइम कम है, लो साथी को बात करो। हाँ हेलो, हाँ चालू वाला देर हो जाएगी भाई, अब लेट हो गया मैं जान रहा हूँ। पानी की टंकी में गिरा हुआ था पता नहीं कब से, इसको सुबह निकाला गया 7 बजे जब पूछना मिली। सांप में हम तो सांप देख रहे हैं, अपनी प्रकृति वास में जा रहा है। ना मैं मुझे लेट हो जाएगा यार, हम तो इधर आ गए अब यहाँ इससे सोंग के नीचे। यहाँ ये मादा कोबरा है और इसको जब पकड़ा तो इसने इतनी हरकत करी हमारे साथ रात को, एक बार को तो हम भी डर गए थे। रात को पकड़ा है बड़ा डेंजर है भाई, वो तो नहीं तो बाहर निकालो तो बड़ा आ रही हो ऊपर ही देख रहा हूँ, खतरनाक लग रहा है कि हम तो उसे बचा लाए थे, ये आराम से जाएगा या हमें थमका के जाएगी, ये इसकी प्रकृति है। दूर दूर कर ये देखिए चल दिए महाराज अपने सफर पे। थोड़ी सी इनको सर्दी लग गई थी और अब ये अपने सफर पे जाते हुए देखिए अपने प्रकृति वाले में अपने घर में कैसे घुसता है सांप। साथियों सांपों को उनके प्राकृतिक छोड़ देगा,
सांप तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करे, सांप जितना एक्सपर्ट को दे बंदा को दे हमें दे।